स्पेन में पाकिस्तानी काउंसल जनरल इमरान अली चौधरी ने रियासत कतलोनिया के वजीर दाखला माइकल और दीगर हुकूमती अहलकारों से मुलाकात में मकामी मीडिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी के बारे में मनफी रिपोर्टिंग पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया। तफसीलात के लिए देखते हैं शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट। बार्सिलोना में पाकिस्तानी कौंसल जनरल इमरान अली चौधरी ने कातालोनिया के वजीर दाखिला माइकल बच और हुकूमती अहदेदारों के अलावा नेशनल पुलिस के दो अहम ऑफिसर्स चीफ कमिश्नर जॉन फोर्टन और तफ्तीशी यूनिट के सरबराह एमएलओ से भी मुलाकात की। इन मुलाकातों का मकसद पाकिस्तानी कम्युनिटी के खिलाफ मकामी मीडिया के जानबदाराना और मोतसबाना रवैये पर तहफ्फुज़ात का इजहार करना था। मकामी पुलिस ने 27 जून 2019 को बार्सिलोना में मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें चंद पाकिस्तानियों के अलावा दीगर कौमियतों के लोग भी गिरफ्तार हुए, मगर मीडिया ने पाकिस्तानियों का खास तौर पर जिक्र किया। हस्पानवी हुकाम से मुलाकात में पाकिस्तानी कौंसल जनरल ने मकामी मीडिया के जानबदाराना और मोतसबाना रवैये पर अपनी तशवीश का इजहार किया। उनका कहना था कि पाकिस्तानी कम्युनिटी मेहनती, कानून की पाबंद और स्पेन से मोहब्बत करने वाली कौम है। इस मौके पर कतालोनिया के वजीर दाखिला का कहना था कि उनका मकसद कभी भी पाकिस्तानियों को खास तौर पर उनका नाम लेना या पाकिस्तानी कम्युनिटी को बदनाम करना नहीं रहा। मीडिया खबरों में तफसीलात बता सकता है, लेकिन हुकूमत कभी भी किसी कम्युनिटी को खास तौर पर लेबल नहीं करती। मुलाकात में कौंसल जनरल इमरान अली चौधरी ने बताया कि वो मंशियात की आदि अफराद के लिए जल्द आगाही प्रोग्राम शुरू करेंगे, जिस पर हस्पानवी वजीर दाखिला और दीगर हुकाम ने इमरान अली चौधरी के अज़्म की तारीफ की। शाहिद अहमद शाहिद 92 न्यूज़ बार्सिलोना स्पेन।